कौन कर दीजिएगा? राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व निर्देश पर 534 प्रखंड में विरोध मार्च और इसका विरोध किया गया। पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और पूरे देश के जो बुद्धिजीवी हैं, जो पत्रकार हैं, कलाकार हैं और सभी तबके के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर नागरिकता तय करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह जो NRC है, NPR है, नागरिकता कानून है, यह जो है सो न सिर्फ विभेदकारी है, विभाजनकारी है, संविधान के खिलाफ है और भारत के भीतर जो हम लोगों का आपसी भाईचारा है उसको तोड़ने का काम यह करेगा। हम लोग बराबर लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में नारा लगाते रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जब से यह देश विरोधी और नागरिक विरोधी कानून की चर्चा हुई तो कहीं न कहीं यहाँ के अल्पसंख्यक गरीब और हमारे नॉर्थ ईस्ट के चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो उनमें एक भय का एक संशय की स्थिति पैदा हो गया है कि फिर से हमको अपनी नागरिकता को साबित करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों का नारा है कि नागरिकता कानून को वापस लेना पड़ेगा, NRC को वापस लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपने समय में उनके नेतृत्व में हम लोगों ने राजभवन मार्च किया कि जाति आधारित जनगणना को तुम लागू करो। ये जो भीख मांगने वाला कौन है, ये जो मतलब कि सड़क पर टहलने वाला कौन है, किस जाति का है और उसको उसके आधार पर सरकार को बजट बनाने का एक प्रावधान देने की बात कही गई थी। इसलिए हम लोग नागरिकता कानून नहीं चलेगा। नागरिकता कानून को वापस लेना होगा। बहुत धन्यवाद।